बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है। पठान और जवान फिल्म की सफलता के बाद शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही बताया कि सुरक्षा मुफ्त नहीं है, इसके बदले शाहरुख खान को सुरक्षा के चार्जेस देने होंगे। साल 2010 में फिल्म माय नेम इज खान के रिलीज को लेकर भी शाहरुख खान को धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई थी। हाल ही में शाहरुख खान की रिलीज हुई पठान मूवी 1050 करोड़ और जवान मूवी 1117 करोड़ पूरी दुनिया में कमाई है, जिसके बाद गैंगस्टर से जान से मारने की धमकी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस द्वारा वाई प्लस सिक्योरिटी कवर दी गई है। ये वाई प्लस सिक्योरिटी के तहत 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ होंगे। बता दें कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि शाहरुख खान को जान का खतरा है। हाल ही में उनकी फिल्म पठान और जवान की हिट होने के बाद शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। शाहरुख खान अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।